और अब खबर जोधपुर से है, जहां सलमान खान के झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में मंगलवार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान सलमान के वकील ने कहा कि सलमान खान किसी भी तरह का ये मतव्य नहीं था कि वो झूठा शपथ पत्र है, ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। बता दें कि हिरण शिकार मामले के दौरान सलमान खान की ओर से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर एक शपथ पत्र पेश किया गया। इस पर अभियोजन पक्ष ने शपथ पत्र को झूठा बताते हुए कोर्ट को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया और दंड प्रक्रिया संहिता 340 के तहत कार्रवाई करने का प्रार्थना पत्र 2006 में पेश किया था। हमने अदालत को ही बताया कि आर्म्स लाइसेंस मिसप्लेस हो गया था, कहीं रख के भूल गए थे, लेकिन वो पुलिस कमिश्नर मुंबई के पास पाया गया। अक्यूज का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उसको छिपाना था। हमने पहली डेट पर जब उसको लाइसेंस को एग्जिबिट कराने की बात हुई तो हमने कोई आपत्ति नहीं की, और इन परिस्थितियों में जानबूझकर झूठे शपथ पत्र देने का कोई फैक्ट, कोई एविडेंस पत्रावली पर मौजूद नहीं है। और 2006 से एप्लीकेशन लेकर 13 साल हो गए हैं, इस स्टेज पर अक्यूज के खिलाफ झूठी साक्ष्य देने के संबंध में कार्रवाई की जाना कतई न्यायचित नहीं है। इसलिए अभियोजन का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। अदालत ने आदेश लिए 17 जून की डेट।